राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। बात करेंगे तुला राशि को लेकर के। तुला राशि आपके जीवन में 2022 में मार्च में तुला राशि वाले जातक क्या फल प्राप्त करेंगे और कहां से उनको नुकसान हो सकता है, कौन सा ग्रह उनका प्रबल है, कौन सा ग्रह कमजोर है, इन सब बातों को बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तुला राशि वाले जातक विशेष रूप से इस समय सुखद महसूस करेंगे। तुला राशि वाले जातकों को सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वाले जातक नए योजनाएं जो बना रहे हैं, नए लोगों से जो मदद चाह रहे हैं, अर्थात अपनी योजना में नए लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, उसमें उनको सफलता मिलेगी। लेकिन व्यापार क्षेत्र को आप नए व्यक्तियों के जोखिम में बिल्कुल ना डालें। व्यापार पर किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना उठाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित हानि होगी। सलाह उसकी लें जो सलाह अच्छी लगे। अगर आप अनर्गल लोगों की सलाह लेंगे तो आपके कैरियर को दाग लग जाएगा, आपका कैरियर नष्ट हो जाएगा। तुला राशि वाले जातक स्थायी संपत्ति बना सकते हैं। इस समय बहुत अच्छे योग हैं तुला राशि वाले जातकों के। जमीन जायदाद आदि का लेन देन आप कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। तुला राशि वाले जातकों को विशेष रूप से अगर आगे बढ़ना है तो विशेष रूप से अपने ही मन से, अपने ही कर्म से बढ़ें। दूसरों के सहारे, दूसरों के मन से अगर आप चलते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय तुला राशि का बहुत अच्छा समय है। थोड़ा समझदारी से चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और आपका कार्य क्षेत्र सफल होगा। तुला राशि वाले जातक अगर कोई व्यापार क्षेत्र की योजना बना रहे हैं, कोई पुनः अर्थात दूसरा व्यापार, आप जिस व्यापार से कमाते हैं वो तो अलग है, जिस नौकरी से आप कमाते हैं वो तो अलग है, लेकिन जहां नौकरी व्यापार आप करते हैं उससे अलग कहीं से आप पैसा का अर्जित करना चाहते हैं, कोई अलग कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, दूसरा कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आप जोखिम से बचें। जो व्यापार की जोखिम है, दूसरों की सलाह है, उससे आप बचें तो निश्चित मानिएगा कि आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में सक्षम होते हैं, सक्षम रहेंगे, लेकिन इनमें एक कमी होती है कि ये मधुरतावश, प्रेमवश बसीभूत हो जाते हैं और इनका कार्य वहीं पर खराब हो जाता है। इसीलिए अनर्गल कार्यों को बिल्कुल ना करें। तुला राशि वाले जातक अपने काम पर ध्यान दें। जब तक आप स्वयं काम पर ध्यान नहीं देंगे आपका कार्य विफलता की तरफ चला जाएगा, सफलता आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में इस समय गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं और बुधवार का आप पूजन करें। शुक्रवार के दिन गाय को रोटी पर दही रख करके भी अगर आप खिलाते हैं, थोड़ा सा गुड़ उसके ऊपर रखकर खिला सकते हैं, तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा और व्यापार क्षेत्र में मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसेगी। जो शादी के लिए योग्य हैं उनके वैवाहिक जीवन में अभी समय लगेगा, थोड़ा सा समय है, उसके बाद उनका 2022 के लास्ट में या 2023 के फर्स्ट में विवाह होने की उम्मीद है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष अच्छी सूचना है, वो नौकरी कर सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं और नौकरी करने के बाद आप अपने कार्य को, जीवन को सेटल कर सकते हैं। संतान चाहने वाले व्यक्तियों को विशेष सुफल है ये, संतान प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखें, अगर संतान चाह रहे हैं तो आप पहले बृहस्पति की पूजा करें, फिर आप संतान सुख की तरफ बढ़ें तो आपको एक सुयोग्य संतान प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दें। अगर दूसरों पर विश्वास करेंगे तो आप निश्चित रूप से हानि के कारगर पे पहुंच सकते हैं, हानि उठा सकते हैं। और जो जातक अपने जीवन में
तुला राशि के जातक अपने जीवन में किसी भी प्रकार की पद उन्नति की चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बेहद लाभकारी है। तो ये करें क्या कि गुरुवार के बुधवार के दिन एक तांबे के लोटे में चने की दाल भर के रखें, मंदिर में रखें, और गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में दान दे दें, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। या फिर एक मिट्टी का दीपक जो आता है हम दिवाली में जलाते हैं, उसमें शहद भर करके किसी सुनसान जगह पर रख करके चुपचाप वापस आ जाएं, आप पीछे मुड़कर ना देखें, निश्चित मानिए प्रमोशन अवश्य होगा, स्थानांतरण अवश्य होगा, बदली अगर आप चाहते हैं तो अवश्य होगी। इन कार्यों को करें, आपको लाभ मिलेगा। हमारी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। हमें दे इजाज़त। राधे राधे।